अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब लोग ठीक होंगे। देखें, आज हम इनकी आईब्रोज़ बनाएंगे। देखें कितनी ज़्यादा ग्रोथ है, कितने बाल हैं, ठीक है ना। इनकी प्लकिंग को बारीक किए बगैर मैं आपको इनकी आईब्रोज़ बना कर दिखाती हूँ। और जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग सब्सक्राइब भी कर दें। सबसे पहले हम कटिंग करेंगे, ठीक, फ्रंट से। फ्रंट से कटिंग का पता है ना आपको किस तरह करते हैं? फ्रंट से कटिंग करते वक्त आपने एक बात का ख्याल रखना है कि ज़्यादा कटिंग नहीं करनी। अगर हम पहले से ज़्यादा कटिंग कर लेंगे तो बाद में मुश्किल होगी और फिर हमें ना चाहते हुए भी प्लकिंग को बारीक करना पड़ेगा। उसके बाद थ्रेडिंग को, आपने धागे को खुद से देख लेना कि कैसा बनाना है, ठीक है। वो बना के उसके बाद आपने ज़्यादा प्लकिंग को नज़दीक से टच नहीं करना, दूर दूर से आईब्रोज़ को पहले बनाना है, ठीक है। और उसके बाद अब देखें, अच्छे से माथा भी साफ़ कर लेना है और फिर दरमियान से भी धागा चलाते जाएं आराम से, कट नहीं लगाना। और जब आपने आईब्रोज़ बनानी है तो क्लाइंट को कहना है, अगर किसी की इतनी जिल्द नाजुक होती है ना कि हम जब थ्रेड चलाते हैं ना तो उनके कट लग जाते हैं। अगर आप फोरहेड पे भी थ्रेड चला रही हैं ना तो आपने उनको फिर भी पकड़ा लेना है, कहना है कि अपना माथा पकड़ लें। ये देखें, नज़दीक से आपने अच्छे से नीट कर लेनी है। और अब आपने बालों की गिरफ्त खुद देखनी है कि मैंने कितने बाल लेने हैं। इतने बाल लेने हैं, पहले नीचे नीचे से बाल लेने हैं, फ्रंट से शुरू नहीं करना, ऊपर से पहली दफ़ा ही ऊपर से नहीं उतारने, पहले नीचे नीचे से उतारने। ये उनके लिए है जो लोग सीख रहे हैं, जो सीख चुके हैं या जिनको आती है, वो तो जहाँ से मर्ज़ी जैसे मर्ज़ी उतार लें। और ये देखें, अच्छे से आपने फिर इसको, जब फ्रंट के बाल होते हैं ना यहाँ के, उनको ना पकड़ना पड़ता है पहले ऊपर से प्लकिंग को, नहीं तो अंदर को धसी हुई आंखें होती हैं ना तो बाल नहीं निकलते। इनके बाल निकालने मुश्किल थे, एक तो बारीक थे बाल और एक धागे के अंदर आना थोड़ा मुश्किल था। फिर मैंने इनको कहा कि आप अपने ऊपर से टाइट पकड़ें, और पाउडर भी लगाया था इनके अच्छे से। अब देखें, अगर मैं इनके बाल उतारने की कोशिश कर रही थी तो बाल ज़्यादा निकल रहे थे, लेकिन हमने तो इनकी प्लकिंग बारीक तो नहीं करनी थी ना। फिर अब जो बाल अगर रह तो उसे हम ट्यूज़र से भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। देखें, इससे भी निकाल सकते हैं, वो भी बस एक दो होते हैं, ज़्यादा नहीं होते। सारी प्लकिंग ट्यूज़र से नहीं करनी, ट्यूज़र से ज़्यादा पेन होती है। थ्रेड से तो फ़ौरन से निकल जाते हैं, ट्यूज़र से थोड़ी सी ज़्यादा पेन होती है। देखें अच्छे से कितनी प्यारी प्लकिंग बन गई है ऊपर से। और जब हम इसको फिल करेंगे या मेकअप करेंगे या कलर लगाएंगे तो मोटी मोटी प्लकिंग बन जाएगी, ठीक है ना। बहुत अच्छी प्यारी प्लकिंग बन गई, देखें कितनी मोटी और कितनी प्यारी, कमाल की। अब दूसरी भी देखें, अब हमें गाइडलाइन मिल गई कि हमने इसके जैसी ही दूसरी प्लकिंग बनानी है, ठीक है ना। अब देखें दोनों बन गई कितनी खूबसूरत, बराबर बिल्कुल। अब आई पेंसिल लगा के और हमने बिल्कुल मोटी मोटी प्लकिंग बनी है, कितनी खूबसूरत बन गई। थैंक्स फॉर